दोस्तों, जू ऐसा कीट है जो मानव के सिर पर मौजूद होता है। अगर ये हमारे सिर पर मौजूद हो तो हमें तेज खुजली और परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे तो इस जू की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं जो पशु पक्षियों के शरीर पर निवास करती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो अगर कोई जू इंसान के शरीर पर होती है तो वो चूसने वाली होती है, और अगर वो पशु पक्षियों के शरीर पर होती है तो वो काटने वाली जू होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस जू का जन्म कैसे होता है? आखिर ये इंसान के सिर पर कैसे रहते हैं और अपना जीवन कैसे बिताते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जू इंसान के सिर पर तब आते हैं जब इंसान अपने सिर के साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे बालों को धोना, रोज नहाना या फिर उन लोगों के साथ रहना जो इस जू की परेशानी को पहले से ही झेल रहे हैं, और साथ ही उनकी चीजों को इस्तेमाल करना जैसे कंघी, टावेल और भी बहुत सारे, और यही गलतियां होती हैं जिसके कारण ये मनुष्य के सिर पर आ जाते हैं। अब हम जानेंगे कि मनुष्य के सिर पर इन जू का जीवन चक्र कैसे आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस जीवन चक्र में सबसे पहले अंडे देने की प्रक्रिया होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसे अपने अंडे देने में 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है, और ये अंडे बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें देख पाना मुश्किल होता है। अगर बात करें इनके आकार की तो ये अंडे 0.8 mm के होते हैं, और इसीलिए हम इसे अपने आंखों से सीधे नहीं देख सकते हैं। जैसे ये अपने सारे अंडे दे देती है, उसके एक हफ्ते बाद ही इन अंडों से छोटे बच्चे यानी निम का जन्म होता है। तो जैसे ही ये निम अंडे से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद इस निम को 3 चरणों से गुजरना होता है, और प्रत्येक चरण इसे वयस्क होने की ओर ले जाता है, और इस चरण को पूरा होने में भी 1 सप्ताह का समय लग जाता है। तो जैसे ये 1 सप्ताह पूरा हो जाता है, उसके बाद ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, जहां इनकी लंबाई 2 एमएम तक हो जाती है, यानी ये एक तिल के बराबर हो जाते हैं। तो जैसे ये जू पैदा, इस जू के पास बहुत ही मजबूत पंजे होते हैं जिसका इस्तेमाल ये बालों को पकड़ कर रखने और इधर उधर घूमने के लिए करता है। ये जू मानव के सिर पर उस हिस्सों में घूमना, रहना और अंडे देना पसंद करते हैं जो हिस्सा गर्म होता है। आपको बता दूं कि ये जू अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही मिलन करते हैं, जिसके बाद मादा अंडे देती है, और एक दिन में ये 5 से 7 अंडे दे देती है। इन जूओं की सिर्फ एक ही कमजोरी होती है, और वो ये है कि अगर इन जू को हम किसी तरह से बालों से बाहर निकाल दें तो ये कुछ ही घंटों में मर जाते हैं, और अगर ये जू किसी पुरुष के सिर पर मौजूद होते हैं तो इनका जीवन काल 20 दिनों का होता है, और अगर ये किसी महिला के सिर पर मौजूद होते हैं तो इनका जीवन काल 30 दिनों का होता है। और झिंगुर का जन्म कैसे होता है जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।